हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी कटोपस फ्रेंड चैनल में। इस वीडियो में हम जो लेके आए हैं वो है केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, कि कितने मार्क्स का होगा, कितने टाइम का होगा। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो है सिलेबस वगैरह वो हम जो है हमने जो केवीएस की वैकेंसीज आई थी तो उसी में जो है सब कुछ डिस्कस कर दिया था कि कैसा कैसा पेपर आएगा और किस सब्जेक्ट में किस तरह के टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो है एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन वो आएंगे, मीन्स कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें केवीएस पीआरटी टीचर एग्ज़ाम की, ठीक है, जो पीआरटी का एग्ज़ाम होगा, देखिए उसमें जो है न्यू पैटर्न के हिसाब से क्या हुआ है, जनरल इंग्लिश जो है वो 10 मार्क्स की और जनरल हिंदी जो है वो भी 10 मार्क्स की। पहले जो ये होते थे ये 15-15 मार्क्स के होते थे, ठीक है, ओके। बात करें पार्ट सेकंड की तो देखिए जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर्स 10 मार्क्स की, पहले आते थे सिर्फ करंट अफेयर्स 40 मार्क्स के होते थे, लेकिन इस बार क्या कर दिया गया, जनरल नॉलेज भी जोड़ दिया गया है, वो भी 10 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद बात करें रीजनिंग की, वो भी 10 मार्क्स की आएगी। कंप्यूटर 10 मार्क्स का आएगा, पेडागोजी 20 मार्क्स की, और सब्जेक्ट जो होगा वो होगा 80 मार्क्स का पीआरटी वालों का, ठीक है। तो टॉपिक वाइज जो भी उन्होंने दिया हुआ है सिलेबस में, हम उसकी वीडियो जो है आपको अवेलेबल करवा देंगे। कल से जो है फर्स्ट पेपर की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है वो टीजीटी पीआरटी और पीजीटी का एकदम सेम ही है, ठीक है, वही सब पूछा जाएगा, ओके। तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ही उसमें भी। कंप्यूटर के जो हैं हम ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुके हैं थ्योरी पे, अब सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन्हीं पे वीडियो बनाएंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो है वो तीनों ही उनका जो है सेम है सिलेबस, कि वही सब पूछा जाएगा, फंडामेंटल इनपुट डिवाइसेस, उसके अलावा एमएस एक्सेस जो भी है उसमें एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट उन्हीं में से जो उसकी शॉर्टकट कीज़ होते हैं या फिर पेंट वगैरह जो होता है उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हम जो है टॉपिक वाइज जो है आपको वीडियो अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि दिसंबर में जो है वो केवीएस के एग्ज़ाम है, तो अभी से जो है हम तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखिए टोटल जो हो गया 150 मार्क्स की होगी, 70 मार्क्स का तो ये हो गया फर्स्ट वाला, और 80 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट कंसर्न। देखिए पीआरटी की बात करें तो सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा इनके वो देख लेते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश आएगी, जनरल साइंस होगी, जनरल मैथ होगा और एनवायरमेंटल साइंस होगी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश जो आएगी वो आएगी 20 मार्क्स की, तो मे बी, ठीक है, तो मे बी जो है वो 10-10 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जनरल साइंस 20 मार्क्स की, जनरल मैथ्स 20 मार्क्स का, और एनवायरमेंटल साइंस भी 20 मार्क्स की, ठीक है। तो टोटल 80 मार्क्स का जो है वो आएगा पेपर, ओके। तो इसमें जो है हम सारी चीज़ जो जनरल साइंस है या एनवायरमेंटल साइंस है इनके नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, वीडियोस भी जो है डेली आपके लिए आ जाया करेगी, ओके। बात करते हैं फिर टीजीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें, देखिए उसमें देखिए जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी वो भी जो है वो 10-10 मार्क्स की है, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, यहाँ देखिए ये जो है ये 40 मार्क्स की है, पहले भी जो है करंट अफेयर टीजीटी एग्जाम में वो 40 मार्क्स का ही आता था, अभी भी 40 मार्क्स का है, लेकिन सिर्फ एक जो चीज़ ऐड की गई है वो है जनरल नॉलेज। पहले जो थी सिर्फ करंट अफेयर आता, करंट अफेयर के भी बहुत ईजी क्वेश्चन आते थे, मेनली खेल से रिलेटेड हो या फिर ब्रिक्स वगैरह जो सम्मेलन होते हैं उससे रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, अवार्ड वगैरह, ठीक है, तो इसी से आते थे ज़्यादा क्वेश्चन। रीजनिंग एबिलिटी 40 मार्क्स की, ठीक है, इसको जो है हम पिछला पेपर डाल देंगे कि देख लीजिएगा कैसी रीजनिंग आएगी, और उसके अलावा अगर वैसे क्वेश्चंस की जो है आपकी प्रैक्टिस भी करवाते रहेंगे, मॉक टेस्ट डालते रहेंगे हम, ओके। कंप्यूटर लिटरेसी वही 10 मार्क्स के लिए भी, ये भी पीआरटी टीजीटी पीजीटी में सेम रहेगा कंप्यूटर का, तो वीडियोज़ इसकी भी बनाएंगे हम, ओके। पेडागोजी जो है वो है 40 मार्क्स की, देखिए पहले पेडागोजी आती थी 20 मार्क्स की, ठीक है, इस बार कितनी क्या आ रही है 40 मार्क्स की। सब्जेक्ट जो है टीजीटी से में से जो भी सब्जेक्ट है उसका इंग्लिश हो मैथ हो वो जो है वो कट कर दिया गया है, अब जो है टीजीटी में सिर्फ जनरल पेपर होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ओके। सब्जेक्ट से रिलेटेड आंसर क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे जब आप इंटरव्यू देंगे, ओके, अदरवाइज जो है सब्जेक्ट को बिल्कुल कट कर दिया गया है टीजीटी में से। बात करते हैं पीजीटी की, देखिए पीजीटी में भी वही जनरल बिल्कुल पीआरटी की तरह ही है कि जनरल इंग्लिश है 10 मार्क्स की, जनरल हिंदी है 10 मार्क्स की, उसके अलावा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स भी 10 मार्क्स के लिए, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स के लिए, और कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स के लिए, और पेडागोजी टोटल ये जो हो गई ये हो गया 70 मार्क्स का, ओके। इसके अलावा बचा 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का और बचा, तो इसमें
जो है वो है सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो कंप्यूटर हो मैथ हो तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ओके देखिए टाइमिंग की अगर हम बात करें तो केवीएस का जो, सॉरी केवीएस का जो एग्ज़ाम पीजीटी का होगा वो होगा 3 घंटे का, 3 आवर्स का, ठीक है। अगर टीजीटी की भी बात करें तो टीजीटी में जो है टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 2:30 आवर्स, ओके मीन्स 150 मिनट, ठीक है 150 मिनट। और पीआरटी में भी बिल्कुल सेम 2:30 आवर्स का मीन्स 150 मिनट्स, ओके ये टाइमिंग रहेगी। इसके अलावा एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर में बैठने के बाद भी वहाँ पे जो ड्यूटी दे रहे होते हैं उनसे बार बार यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीआरटी इसमें जो केवीएस के एग्ज़ाम है उसमें जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी उसमें, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। आपको आता है तब भी, नहीं आता है तब भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर में, ओके। तो ये था पैटर्न इसका। इसके अलावा जो भी टॉपिक वाइज वीडियो बनेंगी उसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे वो सब लेके आएंगे। पेडागोजी के जो हम हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हर एक पेपर के लिए, मीन्स जो पीजीटी हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, उसके लिए जो है यूजफुल होंगे। ओके थैंक यू सो मच।